हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहल और मेरी किचन यानी कि किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो मावा बर्फी, या फिर आप इसे मैंगो बर्फी भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो आप इस मैंगो सीजन पे मेरी इस मैंगो बर्फी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमने ना इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज़ किया है, ना ही आर्टिफिशियल फ्लेवर, फिर भी ये बहुत ही यम्मी है। ये दिखने में जितनी टेस्टी है उतनी ही खाने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के लिए। मैंगो बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 कप मैंगो पल्प। तो यहाँ पे मैंने हापुस आम का फ्रेश पल्प निकाल लिया है मिक्सर ग्राइंडर में और इसे मेजरिंग कप की मदद से इसे मेजर कर दिया है। आप चाहे तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी आम का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, पर पल्प यूज जो है फ्रेश ही होना चाहिए, उससे इसका टेस्ट डिफर करता है। और यहीं पे हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप की मदद से 1 कप चीनी डाल दी है। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चीनी का ज़्यादा यूज़ करें, पर 1 कप से कम चीनी यूज़ ना करें। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे पका लेना है। तो ये अब धीरे धीरे पतला होने लगेगा मिक्सचर। तो ये देखिए, ये मिक्सचर अब पतला है। इसे हम कंटिन्यू 10-15 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम पे इसे ना पकाएं आप। तो ये देखिए, ये हमारा जो मिक्सचर है अब गाढ़ा हो चुका है 10-15 मिनट के बाद, एकदम क्वांटिटी में आधा हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे मावा। मावा आपको बाजार में इजीली अवेलेबल होता है, मैंने इस मावा को घिस के ले लिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा का यूज़ किया है। ये देखिए, ये मावा मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मावा डालने के बाद मावा फिर से अपना मॉइस्चर रिलीज करेगा इस मिक्सचर में, तो ये मिक्सचर फिर से पतला होने लगेगा। तो फिर से हम इसे 10-15 मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। याद रखें, यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई ना रखें, हाई फ्लेम पर पकाने से मावा नीचे से जलने लगेगा। और याद रखें, इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है। अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो आपका जो मावा है वो नीचे से डेफिनेटली जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10-15 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये बर्फी जमाने के लिए। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ले चलेंगे बर्फी जमाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले ली है स्टील की, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब घी और इसे हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख सकते हैं या किसी बटर पेपर को भी ग्रीस करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये थाली को ग्रीस कर लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी ये बर्फी वाला मिक्सचर। तो यहाँ पे हमें इसे गरम गरम ही जमाना है। तो ये देखिए, ये मिक्सचर मैंने डाल दिया है। रबर स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से सेट कर दें। देखिए, अगर आपके पास रबर स्पैचुला ना हो तो आप किसी भी नॉर्मल चम्मच या कटोरी की मदद से इसे सेट कर सकते हैं। और ट्राई करें कि आप इसे स्क्वायर शेप में सेट करें ताकि जो बर्फी कट करने में हमें आसानी हो। और हमें इसकी मोटाई जो है वो 1 इंच की रखनी है, 1 इंच से कम इसकी मोटाई ना रखें। ये देखिए, मैंने इसके कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे 2 पिंच इलायची पाउडर डाल देंगे। वैसे यहाँ पे इलायची पाउडर का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है, पर इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने डाल दी है इलायची पाउडर और मैंने यहाँ पे ये बादाम को बारीक कट करके ले लिया है। आप चाहे तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप जरी वर्क का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर ऑल टुगेदर आप किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, फिर भी ये बर्फी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। देखिए, ये यहाँ पे मैंने ये बादाम डाल दिए हैं। इसे स्पैचुला की मदद से हम बर्फी के मिक्सचर के अंदर इस तरह से सेट कर देंगे और इस बर्फी के मिक्सचर को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और 2 से 3 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं, मैंने ये बर्फी के मिक्सचर को फ्रिज से निकाल लिया है और ये देखिए, हमारी जो बर्फी है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट होकर रेडी है। तो मैंने इसे अब पीसेस में कट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये स्क्वायर पीसेस में कट करने वाली हूँ इसे। आप चाहे तो डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी बर्फी जो है बहुत ही अच्छी तरह से जमी है। तो ये अब हमारी बर्फी रेडी है सर्विंग के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व कर देती हूँ इस सर्विंग डिश में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बर्फी है कितनी अच्छी लग रही है। ना इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल किया है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, फिर भी ये हमारी मैंगो बर्फी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है।
आप इस मैंगो बर्फी को एज ए डेजर्ट या फिर आप अपने गेस्ट को सर्व कीजिए, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। बच्चों को तो ये मैंगो बर्फी बहुत ही पसंद आती है। अगर रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें।